तो गाइज अभी आप अज्जू भाई को AWM किंग के नाम से जानते हो, बट गाइज क्या आपको ये बात पता है कि गाइज आज से कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, गाइज अज्जू भाई AWM किंग के नहीं बल्कि गाइज किसी और गन के किंग के नाम से जाने जाते थे। एंड गाइज अभी आपको अज्जू भाई के नेम के पीछे 94 नंबर लगा दिखता है, बट गाइज पहले अज्जू भाई के नेम के पीछे गाइज 94 की जगह कोई और ही नंबर लगा हुआ था। तो गाइज क्या आपको ये फैक्ट्स पता है? नहीं ना? तो गाइज इसी तरीके के अमेजिंग अननोन एंड मिस्टीरियस फैक्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ अज्जू भाई के रिलेटेड। तो गाइज वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, गाइज वीडियो को एंड तक देखना है। हाँ गाइज अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। एंड हाँ गाइज इसी तरीके के गाइज और भी अगर आपको मिस्टीरियस वीडियोस चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट जरूर से करना। एंड हाँ गाइज आज हम लोग अज्जू भाई से रिलेटेड उनके नॉर्मल फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करने वाले कि अज्जू भाई की इनकम कितनी, अज्जू भाई ने फेस रिवील क्यों नहीं किया। आज गाइज मैं कुछ अमेजिंग एंड अननोन मिस्टीरियस फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो गाइज हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज फैक्ट नंबर 5, Why अज्जू भाई नॉट डूइंग गिवअवे? यस गाइज ये गाइज काफी ज्यादा अननोन एंड अमेजिंग फैक्ट है, काफी बंदों को ये नहीं पता है गाइज अज्जू भाई गिवअवे क्यों नहीं करते। क्योंकि गाइज अज्जू भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में कई बार कहा है कि भाई उन्हें गिवअवे की ऑडियंस नहीं चाहिए। मतलब गाइज गिवअवे से ऐसा होता है कि काफी सारी ऑडियंस वही आती है जिनको गाइज सिर्फ गिवअवे पसंद है, बट गाइज उनको ऐसा लगता है कि उनको गाइज उनकी कॉमेडी, मतलब उनकी कमेंट्री कॉमेडी एंड उनके गेम प्ले के लिए उनको देखे लोग, उनको पसंद करे, उनको गाइज ऐसी पब्लिक नहीं चाहिए, ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए जो कि गाइज सिर्फ डायमंड्स के लिए उनको देखे, इसलिए गाइज अज्जू भाई गिव अवे नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 4, गाइज काफी सारे बंदों को पता नहीं है कि अज्जू भाई का जो सेकंड चैनल है टोटल गेमिंग लाइव, वो अज्जू भाई ने क्यों क्रिएट किया था। क्योंकि गाइज ऐसा हुआ था अज्जू भाई के जब गाइज 250 से 300 के सब्सक्राइबर्स थे लगभग, उस टाइम पे गाइज अज्जू भाई का जो मेन चैनल है टोटल गेमिंग चैनल, वो गाइज हैक हो गया था। यस गाइज किसी मतलब हैकर ने हैक करके एंड गाइज यूट्यूब ने उस चैनल को टर्मिनेट कर दिया था, मतलब वो चैनल गाइज यूट्यूब पे दिख ही नहीं रहा था। बट गाइज उस टाइम अज्जू भाई के 2.5 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे, जिसके कारण की गाइज अज्जू भाई ने ट्विटर पर जाकर रिट्वीट करवाया, लोगों ने गाइज रिट्वीट किया एंड अज्जू भाई का चैनल गाइज फाइनली वापस आ गया था। बट गाइज क्या आप लोग सोच सकते हो अगर गाइज उस टाइम अज्जू भाई का चैनल हैक रहता एंड वापस नहीं आता, सो गाइज आज अज्जू भाई इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी में टॉप 1 पे नहीं रहते। फैक्ट नंबर 3, गाइज आप लोग अज्जू भाई को AWM किंग के नाम से जानते हो। यस गाइज काफी सारे बंदे सोचते हैं कि गाइज अज्जू भाई AWM किंग है, बट गाइज आज से गाइज 1-1.5 साल पहले गाइज अज्जू भाई मतलब गाइज AWM बहुत कम चलाते थे। अज्जू भाई गाइज AWM किंग के नाम से मतलब जाने ही नहीं जाते थे, अज्जू भाई गाइज जाने जाते थे फार्मास किंग के नाम से। यस गाइज अब आप लोग सोचोगे भाई फार्मास किंग? यस गाइज अज्जू भाई उस टाइम पे गाइज मतलब फार्मास गन जो है फ्री फायर में, आजकल तो बहुत कम बंदे यूज करते हैं, बट गाइज उस टाइम पे अज्जू भाई फार्मास गन पीसी में यूज करते थे। एंड गाइज पीसी में ऐसा रहता है कि गाइज पीसी में आपका जो जॉयस्टिक है सेंसिटिविटी है वो गाइज बहुत परफेक्टली काम करता था, जिसके कारण कि गाइज उस टाइम पे अज्जू भाई फार्मास किंग के नाम से जाने जाते थे, ना कि गाइज AWM किंग के नेम से। फैक्ट नंबर 2, हाउ अज्जू भाई गॉट पॉपुलर एंड फेमस? यस गाइज ये मिस्टीरियस फैक्ट गाइज काफी कम लोगों को पता है कि गाइज अज्जू भाई कैसे इतने ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस हुए। गाइज ये टाइम है जब अज्जू भाई के गाइज लगभग सब्सक्राइबर्स थे 400 के 350 के, 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो उस टाइम पे गाइज एक OB अपडेट आया था, जैसे गाइज हमेशा हर 2 महीने पे एक OB अपडेट आता है, उस टाइम पे गाइज अज्जू भाई के अपडेट के दिन मतलब उन्होंने अपना पुराना लाइव स्ट्रीम चलाया था जो उन्होंने पास्ट में लाइव किया था, उसी का रिप्ले चलाया था एंड उस दिन गाइज इतने सारे सब्सक्राइबर्स उनके बढ़े थे। गाइज उस दिन लगभग अज्जू भाई के 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे सिर्फ एक दिन में। तो गाइज आप लोग समझ सकते हो 1 से 1.5 लाख न्यू सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन किए थे एंड उसके बाद गाइज वो जो न्यू सब्सक्राइबर्स आए थे उन लोगों को गाइज अज्जू भाई की कमेंट एंड अज्जू भाई गाइज उस टाइम पे AWM गेम प्ले स्टार्ट कर दिए थे, मतलब AWM चलाना शुरू कर दिए थे। उस टाइम पे गाइज इंडिया में बहुत कम बंदे AWM चलाते थे, तो गाइज ये काफी सारे बंदों को पसंद आया अज्जू भाई की कमेंट्री एंड उनका AWM गेम प्ले, इसी के कारण गाइज अज्जू भाई धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस होने लग गए। एंड हाँ गाइज अगर आप लोग अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो गाइज वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, अभी गाइज अज्जू भाई के नेम के पीछे जो नंबर है वो गाइज 94 लिखा है, बट गाइज आज से 2 साल 3 साल 2.5 साल पहले गाइज अज्जू भाई के नेम के पीछे गाइज अज्जू भाई 093 लिखा हुआ रहता था। यस गाइज अज्जू भाई 94 की जगह अज्जू भाई 93 मतलब 093 गाइज आपको मैं बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ, ये गाइज अज्जू भाई की पहले ओल्ड आईडी थी, बट गाइज पता नहीं क्या हुआ इसका गाइज आईडी पासवर्ड अज्जू भाई के पास से चला गया, अज्जू भाई भूल गया फिर पता नहीं क्या हुआ इस आईडी से गाइज, मतलब अज्जू भाई
खेलने ही नहीं लगे। उसके बाद गाइज अभी अज्जू भाई को आप लोग देखोगे तो अज्जू भाई 94 वाली आईडी से खेलते हैं। तो गाइज ये मिस्टीरियस फैक्ट आप लोगों को पता था या नहीं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड गाइज अगर आप लोग और भी यूट्यूबर्स के अमेजिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट जरूर से करना। सो गाइज आई होप आपको वीडियो में मजा होगा, मजा आया तो गाइज वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू आया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलो गाइज बाय बाय।